हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम फिर से शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो हम कौन से मॉल जाएंगे आपको दिखाएंगे। और पापा भी रेडी हो गए, मम्मी भी रेडी हो गई, दादा भी रेडी हो गए, मम्मी को दिखा भी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं, पापा भी रेडी हो गए जा रहे कार से। चलो चलते हैं, बैठती हूँ आगे। गाइस, हमने सीट बेल्ट पहन लिया है और पापा ने सीट बेल्ट पहन लिया। अब जा रहे हैं, आ गए बाहर, मतलब गेट के बाहर। और ये रहा मौसम, कितना अच्छा है। वाह, हम जा रहे हैं। मम्मी और बिना पीछे बैठे हैं और मामा यहाँ कार चला रहे हैं और मैं यहाँ फ्रंट सीट में बैठी हूँ। अभी हम बाजार पहुँचने वाले हैं, मतलब अभी है टाइम। ये देखो सब वाला, इसका बोलते हैं। यहाँ से त्रेहा आ गया और हम नज़दीक गए बाजार के। ये देखिए, तो चार चार पांच पांच बैठे हैं। वाह, कितना सुंदर लग रहा है, सब मच्छरदानी मेन बाजार में। ये वाह, कितना सुंदर लग रहा है वाला। बाजार नहीं पहुँचे अब, बार बस पहुँचने आ रहे बड़े मॉल में। ये हम पहुंच गए महाराणा प्रताप चौक। वाह, ये भी बहुत, ये मेन मार्केट। और इतना सुंदर है, यहाँ से घूम रहे बोला हम लोग। यहाँ से हम ऐसे घूमेंगे, देखो। एक और पीछे था यार, क्या था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दिया। यहाँ से हम घूमेंगे सिविल लाइन की तरफ। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम घूमेंगे राइट साइड। ये वाह, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये भी, ये सीधा कर, सीधा कैमरा से ये देखो ना। तो इसमें गाना डालेंगे पापा। ये भी बहुत अच्छा है। अंकित जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। यह इंदिरा भवन वाला नेताजी सुभाष चंद्र चौक, नेताजी सुभाष चंद्र चौक। यहाँ है, देखें टेस्ट कर रहे हैं। यह है मैक्स का शोरूम। ये यही बहुत अच्छा मॉल है। ये कितना अच्छा फ्लावर है, वाओ। अब पहुँचने वाले, हम बस पहुँच ही गए। आप सोच रहे होंगे कि मैं पहुँचने वाले पहुँच जाते, पर पहुँचने नहीं। ये वाओ, ये रहा मॉल, सारा मॉल है वो, इतना बड़ा। गाइस, हम यहाँ शॉपिंग करने आ गए हैं और हमने इतनी चीज़ें खरीदनी है। देखो, इतनी चीज़ें हमने खरीदनी है। और ये कितने क्यूट क्यूट कपड़े, और ये टी शर्ट। अब इधर चलते हैं लोग, अब मेरी शॉपिंग होगी। वाह, ये भी सुंदर लग रहा है। यहाँ के कपड़े सारे सुंदर लग रहे हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पर आ गया। मुझे ये वाला पसंद आ रहा, बहुत ज़्यादा, और मैं भी लूँगी पापा को आने तो। और ये मुझे बहुत सुंदर टाइप लग रहा है। और तो सब सही है, गर्ल्स वाल में आया हूँ। और तो सिर्फ दीदी लोग, आंटी लोग हैं यहाँ ज़्यादातर। और ये भी सही लग रहा है, देखो।
ये भी सही है, बट मुझे ये या इनमें से पक्का बोलूँगी ये लेने के लिए, ये तो पक्का बोलूँगी यहाँ लेने के लिए। तो गाइस पापा और मम्मी के साथ आती हूँ, कहाँ है पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ मम्मी लोग देख रहे हैं, मम्मी के सूट देख रहे हैं, मम्मी यहाँ भी पहन रखे हैं। तो गाइस मैंने ये ले लिया है, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये पहन ये ले रही हूँ। मम्मी अपना ढूंढ रही है अच्छे से, इतना बैठ के बोल रहा है। तो गाइस यहाँ काउंटर में कितनी भीड़ है और यहाँ पर हमारा सामान है और इतनी भीड़ है। ये रहे पापा, ये मम्मी, ऑटो जा रहे हैं। तो गाइस हमें शॉपिंग करते करते लेट हो गया था, इसलिए अभी हम होटल में खाने के लिए आ गए और मैं भी अभी हमने ऑर्डर किया, अभी आते हो। तो गाइस हमने स्नैक्स मंगवा दिए, पापा का स्नैक्स मंगा, खाना मंगवाया। खाना खा लिया अभी, हम पापा यहाँ बैठे हैं, पापा कुछ नहीं खा रहे हैं, ये हम लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद हम बाहर चलेंगे, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। पूरे बैग ही बैग हैं। हाँ गाइस हम फ्रूट मार्केट में आए हैं, देखो कितने सारे फ्रूट हैं यहाँ पर, प्रयागराज का फ्रूट बहुत फेमस है यहाँ पर, कितने सारे फ्रूट हैं, देखो यहाँ सारे फ्रूट ही फ्रूट भर रहे हैं। बनाना भी है यहाँ, सब प्रकार के फ्रूट है, ज़्यादातर तो आम है क्योंकि आम का सीजन चल रहा है। इसलिए हम इतना सारा सामान लेके आ गए और दादा भी जूते देखे दादा के, और देख इतना सारा सामान देख। सो गाइस मैं आपको दिखाऊंगी अंदर जाके कि मैं आज क्या क्या लेके आई। चलो मैं सामान की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। पहले हम ये डब्बा ढक लाए हैं और ये मेरे थर्मस का बोतल और ये सीजर लाएँ और फिर से एक डब्बा और हम क्यूट क्यूट से थैंक यू लाएँ एक। चलो देखते हैं, एक ये वाली है, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली है, बहुत सुंदर सुंदर हैंकी है। और ये भी लाए हम छनी टाइप का, और ये मुझे पाउच की बहुत ज़रूरत थी इसलिए मैं पाउच भी लेके आऊँ अपना, और ये मैं टोकरी भी लेके आई हूँ, और ये तीन तीन चार दिन हैं पापा और दादा के लिए। और ये दादा के बेड में बिछाने वाला बेड सीट, और ये मम्मी का चूल्हा साफ करने वाला, किचन साफ करने वाला है कल्ला। और फिर से एक और हम सीजर लाए हैं क्योंकि सीजर से पापा मूछ काटना होता है और वो क्राफ्टिंग करनी होती है। और ये दादा अपना दादा को बास्केटबॉल बहुत पसंद है इसलिए दादा बास्केटबॉल वाली टी शर्ट लाए, देखो अच्छी ऐसे ना। और मैं अपनी क्रॉप टॉप लाई हूँ, और उसके बाद तो और ये मैं अपनी नाइट ड्रेस है, घर में पहने वाली ड्रेस लाई हूँ, ये सुंदर है कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। तो बस इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़, हाँ दादा के जूते आपने देखे नहीं होंगे कितने अच्छे हैं, देखिए। और खास तो मेरा ये पिल्लो ही है क्योंकि मेरे को बहुत पसंद था पिल्लो, इसलिए मैं पिल्लो लेके आई हूँ। और दादा अपना इतना बड़ा कॉपी मतलब रफ कॉपी लेके आया है। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय।